बहुत ही दबाया गया है, छुपाया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। कि हमारे समाज में इंडियन कल्चर, आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट नॉट टॉक्ड अबाउट, और शुरू से ही हम ऐसे नाम दे देते हैं चीची और शेम शेम के, बच्चों को लगता है कि ये बिल्कुल पर्दे में ही रखने वाली चीज़ है, इसके बारे में कभी बात नहीं करते। एक लड़की शायद कह दे, लेकिन एक लड़का नहीं कह सकता क्योंकि वो लड़का है। कि तेरे साथ कैसे हो गया, कहीं तू तो नहीं ये है, कहीं तू ऐसा ही तो नहीं सोचता, कहीं तेरी अपनी मर्जी तो नहीं थी। अगर ये मेल चाइल्ड के साथ में बलात्कार, अगर ये मुद्दा बनता है तो आपको पता है ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध में जाने वाली बातें होंगी, जो कि कभी सोचा ही नहीं जा सकता है। हमारे लड़का के संग में उल्टा हरकत पनी किया, उसी ने वीडियो बनाया अपना, दोस्तों की फोन पे वो ने भेज दिया। वी कांट क्लोज आवर आईज, मतलब शेर आया और कबूतर की तरह आंख बंद करने से शेर चले तो जाएगा नहीं, वो तो कबूतर को खाएगा। वो सब नशा चल रहा है यहाँ पर, सारसी वारसी में नशा चलता, तेज बिकती है, वही करवा देती है सब काम। सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं, उनके सर पे सींग नहीं होते। ये बहुत इंसेस्ट किस्म का होता है, बहुत घरेलू किस्म का होता है, जिसमें लॉ समझ लो आया ही नहीं है, एक हिसाब से घुसा ही नहीं है। ये जानकारी निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बात को कि किसने किया, क्योंकि वो करने वाले ही आप, यानी ब्लड रिलेशन के जो लोग भी वो कर सकते हैं, या फिर आपके संरक्षक जैसे टीचर हुआ, ट्यूटर हुआ, इस तरह के जो आपको गाइड करते हैं, या फिर आपके साथ पढ़ने वाला सीनियर सहपाठी। तो सबसे पहला केस जो था वो 1996 का था, जिसमें मेरे मामा की लड़की ने जब देखा कोई नहीं है, मुझे कोलगी के अंदर ले गया, ही स्ट्रिप डाउन माई क्लोथ एंड देन इंसर्टेड इनटू माई एनल and I started bleeding profusely. Then I ran away from there. जैसे मूवीज में या पिक्चर्स में दिखाते हैं कि कोई मिडल एज सा डरावना सा व्यक्ति है और वो इस तरह का काम करेगा, दीज आर यूजुअली पीपल हु लुक लाइक यू एंड मी। लड़कों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, उनके साथ जो होता है तभी कुछ होगा, जब तक कोई बोलेगा ही नहीं, कोई आवाज़ ही उठाएगा तो कोई सुनने भी नहीं वाला। ज़्यादा बेहतर है खतरा मोल लीजिए बजाय अंदर से कुढ़ने के, अंदर से ख़त्म होने के। आपका सेल्फ एस्टीम मरता है, आपकी जिजीविषा ख़त्म होती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसके खिलाफ बोलिए, और जितना तेज़ी से बोलेंगे डंके की चोट पर, उतना ही इसके साथ शर्म हटेगा। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा।